गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 25 टेक्स्ट बुक का। तो यहाँ सिनोनिम्स है, ठीक है। सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग। तो उसको चूज करके हमको बॉक्स में भरना है। नंबर ए का अट्रैक्टिव एल्यूरिंग, तो इसका चार्मिंग भरिएगा। नंबर बी में डिलीजेंट अनटायरिंग एक्सपर्ट। नंबर सी में एबल कैपेबल, तो इसका कम्पिटेंट। नंबर डी में लिटरेट एजुकेटेड स्कॉलरली। नंबर ई में सिंपैथेटिक मर्सीफुल काइंड। नंबर एफ में ऑनेस्ट ट्रूथफुल तो ट्रस्टवर्दी। नंबर जी में वोरासियस हंग्री यानी स्टार्विंग, ठीक है। अब हम आते हैं कंप्रिहेंशन में। व्हाई डिड द पावर सॉ स्क्रीम? आंसर इसका देखिए, द पावर सॉ स्क्रीम्ड बिकॉज इट वॉज यूज टू कट डाउन अ बिग ओल्ड ट्री। पावर मतलब यहाँ पर किसके लिए था, कि जो कंट्रोल करता है सबको, ठीक है, जिसमें एबिलिटी है कोई भी सामान या मनुष्य को कंट्रोल करने का। तो यहाँ पर पावर सॉ स्क्रीम बिकॉज इट वॉज यूज टू कट डाउन अ बिग ओल्ड ट्री। तो वो चिल्लाया क्यों? क्योंकि उसको उसने मतलब कि पाया कि एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ को काटा जा रहा है। नंबर टू, व्हाई डिड द फॉलिएज बिकम लिम्प सडनली? तो फॉलिएज जो है, मतलब फॉलिएज का मीनिंग क्या था? क्लस्टर ऑफ लीव्स, लीव्स का जो बहुत सारा लीव्स एक साथ जुड़। तो ये जो था, फॉलिएज बिकम लिम्प सडनली एज इट इज़ नो मोर अ लिविंग ट्री। द ट्री वॉज लिविंग सम टाइम बिफोर बट नाउ इट इज़ डेड एंड ऑफ नो सिग्निफिकेंस। तो यहाँ कह रहा है कि फॉलिएज जो है इसलिए लिम्प कर गया अचानक, क्योंकि अब वह लिविंग ट्री नहीं रहा। ट्री जो है कुछ मतलब कि कुछ समय पहले लिविंग था, उसके मतलब कुछ समय पहले, लेकिन अब वह डेड हो गया है और अब उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। नंबर थ्री में आए, हाउ लॉन्ग हैड द ट्री बीन देयर? द ट्री वॉज देयर फॉर 100 ईयर्स, 100 सालों से वो ट्री था वहाँ। नंबर फोर, वाई वॉज द अंडर साइड ऑफ द लीव्स प्लेन? तो अंडर साइड जो था लीव्स का वो क्यों था पेन? तो अंडर साइड ऑफ द लीव्स वेर पेल बिकॉज इट वॉज ब्लेंडेड विद द मॉर्निंग रेन, क्यों मिक्स हो गया था मॉर्निंग रेन से, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ट्रू फॉल्स में। तो ट्रू फॉल्स में हम लोग देखेंगे, सबसे पहला, द ट्री वॉज नॉट सो ओल्ड, फॉल्स। द ट्री लीन्ड फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ द विंड, ट्रू। नंबर सी में द अंडर साइड ऑफ द पेल लीव्स हेल्ड मॉर्निंग रेन, ट्रू। द पोएम इज अबाउट प्रिजर्विंग द ट्रीज इन द फॉरेस्ट, ये भी ट्रू। अब हमको कंप्लीट द सेंटेंसेस लेना है जो पोएम से वर्ड लेकर। द टर्म फॉरेस्ट जायंट रेफर्स टू द ट्री। द पावर्स आर स्क्रीम्ड बिकॉज इट वॉज कटिंग डाउन अ बिग ट्री। The powers are screamed because it was cutting down a big tree. Had the tree been overpowered, there would have been a battle between किसके किसके बीच में लड़ाई होती, a fitter and the tree. Fitter यहाँ कौन, जो पेड़ को कट कर रहा है, ठीक है, और tree में। The poet feels that the tree should have been overpowered. तो किसके द्वारा उस पर overpowered होगा, तो by wind or storm. अच्छा, नंबर फोर में आते हैं टिक मार्क करना, करेक्ट ऑप्शन में। द एज ऑफ द ट्री इज 100 ईयर्स, नंबर वन होगा। नंबर बी में द लाउड नॉइज मेड बाय द पावर सॉ इज क्रीम, नंबर टू इसका होगा। नंबर सी में द टर्म 100 ईयर्स ऑफ ग्रेसफुल ब्यूटी रेफर्स टू, द टर्म 100 ईयर्स ऑफ ग्रेसफुल ब्यूटी रेफर्स टू ट्री, ठीक है, नंबर फोर हो जाएगा। The word fitter refers to person who cuts trees with saws or other machines. तो saws का मतलब पेड़ को, मतलब कि जो आड़ा मशीन होता है लकड़ी काटने वाला, ठीक है, वो, और जो other machine के द्वारा, ठीक है। That's all. अब इसका using grammar हम लोग next class में करेंगे, ठीक। तो that's all. Have a nice day.